वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय के साथ संबोधन शुरू करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गिरिराज जी के दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। गोवर्धन में उन्होंने कहा कि सर्दी के महामारी कोरोना से दुनिया परेशान थी, तो भी एमपी मोदी के नेतृत्व में जो गरीबों के लिए कार्य हुआ है उसे दुनिया सराह रही है। फ्री वैक्सीन, फ्री उपचार दिया, वैक्सीन लगवाने के प्रश्न पर उठे हाथों को देखकर बोले कि भीड़ यह सिद्ध कर रही है कि आपका जज्बा सपा गठबंधन की जमानत जब्त करा देगा। कोरोना में व्यापार रोजगार भी प्रभावित हुआ, मगर सरकार ने सभी के लिए कार्य किया एवं फ्री राशन दिया। उत्तर प्रदेश में राधा रानी गिरिराज जी की कृपा से एवं बिहारी जी की कृपा से कोरोना समाप्ति की ओर से यह उन्हीं की कृपा है कि हम जीवन और जीविका बचाने में सफल रहे हैं। सपा ने कब्रिस्तान की चार दीवारी करवाई, मगर आपको हमारे धाम प्रिय है। हमने वह पैसा ब्रजदीप विकास परिषद को देकर ब्रज को संवारने का काम किया है। वह करते थे सफाई महोत्सव, न रंग न भाव न भक्ति थी। हमने अयोध्या में दीप उत्सव से बरसाना में रंगीली होली करवाई। भाजपा शांति सौहार्द से लेकर आती है पर्व और दीपावलियों का विस्तार दिया। सपा में दबंगई एवं दंगा होते हैं, हमने सभी पर बुलडोजर चलवा दिया। जब चुनाव में फिर दबंगई रेंग रही है, हम भी कह रहे हैं कि मार्च में पुनः भाजपा सरकार बनेगी तो सभी की गर्मी शांत हो जाएगी। गोवर्धन के विकास को लेकर विधायक करंदर सिंह ने बहुत कार्य किए। जब पार्टी ने मेघश्याम सिंह को विधायक करंदर सिंह जी के करवा को आगे बढ़ाने को चुना है। डबल इंजन सरकार में देश विकास की ओर बढ़ रहा है, बेटियां भी बढ़ रही हैं, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, नौजवानों को रोजगार की गारंटी है, तो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, 15 करोड़ गरीबों को माह में 2 बार राशन दे रही है, भव्य फिल्म सिटी का भी निर्माण होने जा रहा है, जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। कभी आपको हेमा मालिनी के साथ हवाई यात्रा करनी पड़े तो जेवर से कर लेना। हमारा पैसा विकास में जा रहा है तो उनका पैसा भ्रष्टाचार और इत्र वाले मित्र को यहाँ जाता है। हम बुलडोजर को भी बड़ा खोजी है, खोज खोज कर दीवारों से नोट निकाले। नाम समाजवादी सोच, दबंगईवादी और काम परिवारवादी हैं। गठबंधन पर तर्ज कसते हुए कहा कि गठबंधन में जो दो लड़कों की जोड़ी हो ना, ये बहुत खराब जोड़ी है। जब दंगा हो रहे थे तो लखनऊ वाला लड़का मौन हो जाता था और दिल्ली वाला लड़का तब दिल्ली में बैठकर हंस रहा था, तब उसकी जाटों के प्रति संवेदना नहीं जागी। चुनावों में के प्रति जाति वोट नजर आता है। इनकी लाल टोपी राम भक्तों को खून से और दंगे से मरे लोगों के खून से सनी टोपी है। इनके टिकटों में वही लोग हैं जो अराजकता फैलाते हैं, जो दंगा करते हैं। अब वंशवादी और परिवारवादी नहीं, राष्ट्रवादी सरकार बनेगी, यह जनता ने मन बना लिया है। इसलिए देश के प्रगति के लिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताएं। गोवर्धन विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह के समर्थन में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया। हेलीपैड पर उतरकर सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोवर्धन के गिरिराज धान घाटी मंदिर पहुंचकर गिरिराज जी के दर्शन पर मनौती भी मांगी। सांसद हेमा मालिनी मंच पर पहुंची तो उपस्थित भीड़ रामांचक हो उठी, तो हेमा मालिनी ने राधे राधे के संबोधन से साफ स्वीकार किया। अपने संबोधन में योगी को कर्मयोगी बताते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का नायक बनाया। इसी दौरान मंच पर संबोधन के समय प्रत्याशी मेघश्याम सिंह सांसद के नजदीक खड़े हो गए तो हेमा ने भाषण रोकते हुए उनके पीछे हटने का निर्देश भी दिया। यह देख मूड दक्षिण में हंसी छूट पड़ी और तो मेघश्याम कुछ पल के लिए हतप्रभ रह गई और उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गई। संबोधन में हेमा ने मेघश्याम जी को अपना छोटा भाई बताकर उनको जिताने का आह्वान किया। मंच पर ठाकुर कालिंदर सिंह के जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह, यूपी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन चौधरी तेजवीर सिंह, सांसद हेमा मालिनी, पूर्व मंत्री रविकांत गौर, राजस्थान के पूर्व मंत्री जवाहर सिंह मैडम, चेयरमैन खेमचंद शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रही। सभा की अध्यक्षता गोवर्धन नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन गौर गोपाल मुखिया ने तो संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र राणा ने किया। मंच पर संबोधन के समय गोवर्धन से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह ने मंच पर संघर्ष धंटवत एवं करलेट पोर्ट को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ।
भाइयों बहनों, आज यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से पूरी दुनिया पस्त है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहाँ पे, आपकी संख्या को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि आप तो समाजवादी पार्टी की जमानत हमेशा के लिए जब्त करवा देंगे। क्योंकि जो ये वैक्सीन है ना, समाजवादी पार्टी ने मोदी वैक्सीन का जनता को गुमराह करने का प्रयास किया था, और ये भाजपा और मोदी वैक्सीन ने साबित कर दिया कि यही वैक्सीन कोरोना से जनता को बचाएगा। भारत की 135 करोड़ जनता के लिए रामबाण साबित हुई है मोदी वैक्सीन, और इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है वह सपा गठबंधन की जमानत जब्त जरूर करवा देगा। भाइयों बहनों, ये तो वैक्सीन था, कोरोना में लोगों के सामने काम धाम का संकट खड़ा हुआ होगा, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, इनकी कृपा से, गिरिराज महाराज की कृपा से कोरोना एकदम समाप्ति की ओर जा रहा है। फर्स्ट लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ थर्ड वेव का, मैंने कहा देखो जैसे हमारी सरकार ने प्रदेश के दंगाइयों के भूत को बोतल में जिन की तरह बंद किया है, वैसे कोरोना के भूत को भी हमने बोतल में बंद कर दिया है। ये राधा रानी की कृपा है, ये बांके बिहारी की कृपा है कि हम लोग जीवन को भी बचाने में सफल हो रहे हैं और प्रत्येक नागरिक की जीविका को भी बचाने में सफलता प्राप्त हो रही है। नेता से पूछा, मैंने कहा बताओ क्या काम किया समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा बहुत किया, मैंने कहा बहुत किया है, उन्होंने कहा कि हर गांव में कब्रिस्तान बना दिया, यानी ये समाजवादी पार्टी का काम क्या था, हर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाना। उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या किया, मैंने कहा देखो भाई भगवान ने आपके लिए कब्रिस्तान प्यारा किया है, वहां के विकास के लिए हमारी सरकार ने काम किया, जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पे खर्च हो जाता था, हमने उसी पैसे को डाइवर्ट किया, कहा कि नहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दे दो, ब्रज क्षेत्र के विकास का कार्य हो जाएगा, राधे रानी की कृपा सबके ऊपर बरस जाएगी, बांके बिहारी की कृपा बरस जाएगी और हमारा ये ब्रज क्षेत्र भी दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में फिर से द्वापर युग की याद ताजा कर देगा। बाग था न रंग था, न भाव थी न भाषा था, लेकिन जब हमसे पूछा क्या क्या करेंगे तो मैंने हेमा जी से ही पूछा, हेमा जी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करवाइए और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए, राधा रानी का एक कार्यक्रम जुड़ जाएगा, भगवान राम का भी कार्यक्रम हो जाएगा और भगवान कृष्ण का भी
रंगोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ये फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा ना, यही फर्क है भाइयों बहनों। भाजपा आती है विकास लाती है, भारतीय जनता पार्टी लाती है शांति और सौहार्द लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी पहला दंगा यहीं से हुआ था, सुनो ना, कोसी कला से। पहला दंगा कोसी कला में और अंतिम दंगा भी मथुरा में ही, जवाहर बाग का भी यही तो हुआ था, यही तो हुआ था ना, यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। जितने प्रदेश के छठे छटाए अपराधी, हिस्ट्री सेटर, माफिया और पेशेवर अपराधी थे, सब समाजवादी पार्टी के लीगल कार्यकर्ता हैं, लीगल वही उनकी पहचान है। अच्छे लोगों को जानते ही नहीं, अच्छे लोगों से उनका संबंध ही नहीं। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है, तो उनके वे गुंडे फिर से बिल बिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे, 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो, मैंने कहा देखो मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। तो मैंने कहा यह सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है, संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा, तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाए। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास, कारिंदा सिंह जी हमारे विधायक रहे, गोवर्धन क्षेत्र के विकास को लेकर के हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पार्टी एक परिवार है, अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं, और उस दायित्व के निर्वहन की दिशा से श्री मेघ श्याम सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा। और भाइयों बहनों, यहां पर जैसे हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में प्रजातीर्थ विकास परिषद आज बहुत काम कर रहा है, दुनिया की सुंदरतम नगरी को, इस ब्रज क्षेत्र को दुनिया की सुंदरतम, जहां पे जनता को सुविधा मिल सके, विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सही दिशा में चल रही है। आज बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं, किसान खुशहाली की ओर जा, नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी है,